आज एक और खबर पर बात करेंगे जो द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स में प्रमुखता के साथ आया है। कंज्यूमर को लेकर के उठा बड़ा सवाल। जी हाँ, आज से यानी कि 9 अप्रैल 2018 के बाद से अब टीवी पर तो आप विज्ञापन देखते होंगे कि 2 सप्ताह में आप गोरा हो जाएंगे। कई लोगों की कंप्लेन थी कि वो गोरा बनाने वाली क्रीम से स्किन में प्रॉब्लम होता है और वो क्रीम काम भी नहीं करता। लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक नई सर्कुलर की, एक नया आदेश आज से लागू हो गया है कि गोरा बनाने वाला कोई भी क्रीम, फिलहाल ऐसे 14 क्रीम भारत में जो गोरा बनाने का दावा करते हैं, लेकिन अब इस क्रीम को दुकान से आप नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इसकी बिक्री पर अब रोक लगा दी जा रही है और डॉक्टर के स्लिप चाहिए। यानी कि जैसे आप खांसी की दवाई या पैरासीटामोल खरीदने के पहले डॉक्टर की पर्ची लेते हैं, कोई भी गोरा बनाने वाली क्रीम अब दुकान में बेचना एक अपराध होगा। जब तक डॉक्टर स्लिप में लिखकर नहीं देते हैं इस व्यक्ति को क्रीम की जरूरत है, तब तक आप इस क्रीम को नहीं ले सकते। स्किन के डॉक्टर इसके लिए एक स्लिप जारी करेंगे और इसे 2 पक्ष में मान करके देखा जाए। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें डॉक्टर की कमाई बढ़ जाएगी, कुछ लोगों का मानना है कि इससे गोरा बनाने वाली क्रीम बेचने वाली कंपनी के मुनाफे पर रोक लगा पाएगी सरकार। हम आपको बता दें कि आप विज्ञापन में देखते होंगे आए दिन कि पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह में व्यक्ति गोरा हो जाता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जो लोग इस क्रीम का प्रयोग वर्षों से करते आ रहे हैं तो उसे लगता है कि सारा कुछ एक ठगी है, फ्रॉड के जैसा है। हम आपको आज बताएंगे कि गोरे बनाने वाली क्रीम के दावे का सच क्या है, क्या कोई क्रीम वास्तव में किसी को गोरा बना सकती है। हम आपको ये बताएंगे कि हमने कई एक्सपर्ट से इसकी राय ली, सारे लोगों ने कहा कि ऐसी कोई क्रीम है ही नहीं जिससे कोई व्यक्ति गोरा हो सकता है, तो फिर ये क्रीम लोग लगाते क्यों? हम आपको ये बता दें कि गोरा बनाने वाली जो क्रीम होती है ये सनलाइट इफेक्ट को रोकती है। आपके और हमारे शरीर में मेलानिन नाम का एक पदार्थ होता है जो आपके ब्लड में होता है। जब व्यक्ति धूप में जाता है तो आप देखे होंगे कि धीरे धीरे उसका रंग फीका पड़ने लगता है, यानी कि अधिक देर तक धूप में रहने वाले लोगों का मेलानिन ब्लड से निकलकर स्किन के ऊपरी हिस्से पे आ जाता है और इससे रंग डार्क हो जाता है। हम आपको कुछ और उदाहरण देंगे। क्या आपने कभी देखा है कि श्रीलंका में, केनिया में या फिर जिम्बाब्वे और दूसरे देश में गोरे लोग रहते हैं? वहां पर जो गोरे लोग हैं वो ब्रिटेन से आकर बसे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि दक्षिण भारत के लोगों का रंग उत्तर भारत की तुलना में अधिक सांवला क्यों होता है, क्योंकि इसका कारण है कि वह विषुवत रेखा के नजदीक है और वहां पर सन का प्रभाव अधिक होता है, जिसके चलते वहां स्किन में, श्रीलंका में स्किन में मेलानिन का पदार्थ ज्यादा आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जम्मू कश्मीर, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, कनाडा के लोग इतने व्हाइट और गोरे क्यों होते हैं? क्योंकि वह सनलाइट के प्रकोप से काफी दूर है। विषुवत रेखा से यह देश काफी दूर है, 60-70 डिग्री अक्षांशों पर है, लैटिट्यूड पर है। इसके चलते सन की रे वहां पर स्लैंट जाती है, तिरछी जाती है, जिसका नतीजा होता है कि उसके स्किन पर सन का इफेक्ट कम होता है। यही कारण है कि वहां के लोगों को आपने अक्सर सुना होगा कि लोग मिल्की व्हाइट की संज्ञा तक दे जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो लोगों का स्किन थोड़ा सा ज्यादा फेयर होता है। कारण यह है कि वहां सन से वह काफी दूर है, यानी कि 30 से 35 डिग्री के पास है। लेकिन आप देखें कि वह इलाका जो खास करके कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच है, जैसे कि महाराष्ट्र का इलाका, आंध्र प्रदेश का इलाका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड के लोग, त्रिपुरा, मिजोरम के लोग, ये सारे लोगों की थोड़ी डार्क कलर हो जाती है। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बताना चाहेंगे कि त्रिपुरा और मिजोरम ऊंचाई पे होने के कारण वहां पर थोड़ी टेम्परेचर कम हो जाती है, यानी कि सारा
चीज तापमान के द्वारा कंट्रोल होता है। जब गोरा बनाने वाली क्रीम के बारे में कोई भी चीजें सामने आती है तो लोगों को लगता है कि हम गोरा हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में वह सन से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि आपका रंग जो है वह गोरा तो नहीं हो सकता है लेकिन उसे उसी रूप में रहने दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप अपने हाथ की इस साइड को देखते हैं तो थोड़ा गोरापन प्रतीत होता है, जब आप फुल शर्ट पहनते हैं तो इस क्षेत्र में क्योंकि सन का इंपैक्ट कम होता है, लेकिन आप कभी भी हाथ के इस साइड को देखें जिसमें सन की लगातार इसके इफेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की तुलना में ये भाग थोड़ा सा ब्लैकिश ज्यादा हो जाता है। ऐसे कंपनी पर रोक लगने के बाद आम लोग समझ पाएंगे कि गोरा बनाने का दावा करने वाले क्रीम का सच झूठ है, यानी कि इससे कोई गोरा होता ही नहीं है। लेकिन लोगों को अपनी साइकोलॉजिकल और खास करके मनोवैज्ञानिक दबाव और संतुष्टि के कारण क्रीम लगाने के बाद लोगों को लगता है कि वे सुंदर दिख रहे हैं और उसकी पर्सनालिटी में कोई परिवर्तन आया है। हम आपको बता दें एक बार फिर से कि ये फोटो स्क्रीन क्रीम होती है जिसका मुख्य काम होता है कि आपके स्किन पर जाने के बाद सन के इफेक्ट को कम कर, यानी कि आप जैसा दिखते हैं उसको कोई भी क्रीम परिवर्तित नहीं करती है, बल्कि आपके शरीर स्किन पर और भी कई प्रकार के केमिकल्स के आने के बाद खतरा बढ़ जाता है, लोगों को पिंपल्स की समस्या हो जाती है, कभी कभी इसके लिए लोग हॉस्पिटलाइज तक हो जाते हैं। यही कारण था कि आज इस खबर को विभिन्न अखबार हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों ने प्रमुखता के साथ छापा। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, हम ऐसे ही करेंट इवेंट पर रोज विश्लेषण करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।